पुलिस वाले बोलते ही बाहर होते हैं। अगर इतना जोर ट्रैफिक को ठीक करने पर लगा है। दाल चावल का प्रोमो आपने देखा अकबर साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी हमारे पुलिस के जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनके शोधा को नहीं भूला गया, और वो जो लिरिक्स वो जो बीच में बोला है ना कि वो जिंदा थे और वो जिंदा हैं, ये भी आपने लिखा जी उसमें जुल्फकार आदिल साहब और मैंने, उन्होंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट, उन्होंने भी किया मैंने भी किया जी। हम लोग क्योंकि क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो पुलिस की बात हो किसी की भी बात हो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जहाँ भी सिक्योरिटी की बात आती है हमसे आगे ये लोग मौजूद होते हैं। बेशक एक ये भी सोसाइटी को पैगाम देने की कोशिश की गई है, और इसमें भी इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आपने कहा ना हम भूल जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा अपनी याददाश्त को ताज़ा करें तो 2001 से बल्कि उससे भी पीछे जाएं तो 1979 के बाद 80 की दिहाई में 90 की दिहाई में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिसमें पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान आर्मी और एजेंसीज शामिल हैं, उनके जितने हजारों नौजवान जो शहीद हुए हैं और उसके साथ सिविलियंस जिनकी तादाद तकरीबन उनसे 10 गुना ज्यादा है, जिन लोगों ने अपनी जानें दी, आजकल हमें सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो ये उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है कि हम यहाँ पे हैं। तो इस फिल्म में भी ये फिल्म डेडिकेट की गई है उन पाकिस्तान पुलिस के जवानों को, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को और जवानों को और उन सिविलियंस को जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए या इस मुल्क में रहने की वजह से या इस मुल्क को बचाने की खातिर जिन्होंने अपनी जानें दी। तो कैसे मुमकिन था कि हम इतनी बड़ी बात को, आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान में 6000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं और उससे कई ज्यादा तादाद में सिविलियंस, आम शहरी बच्चे औरतें जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। तो मेरे ख्याल में तो फिल्म इंडस्ट्री में इस पर पहले बहुत फिल्म बन जानी चाहिए थी और फिल्में बनती रहनी चाहिए थी ताकि हम उन लोगों को ना भूलें, उन 5000 से ज्यादा जो खानदान हैं जो रोज अपने प्यारों को याद करते हैं। तो बतौर कौम भी हमारा फर्ज बनता था कि हम उनको एक ट्रिब्यूट भी दें और याद भी रखें। दूसरी जो आपने राहत साहब वाले वो नगमे की बात की, ये तो कुरान में भी है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहें, वो जिंदा है। बिल्कुल, लेकिन आप उसका शऊर नहीं रखते। अहमद, हर नौजवान की ये सोच है कि अब मैं पढ़ लिख गया हूँ, अब मैं दाल चावल का ठेला नहीं चला सकता, अब मेरे शायान शान कोई नौकरी होनी चाहिए। लाइक हम लोग बिल्कुल बेसिक से आगाज नहीं करना चाहते। एक बड़ी खूबसूरत सा जो नौजवान नस्ल का आजकल मसला है उसको एड्रेस किया गया। देखिए हमारी फिल्म भी ये मैसेज लेकर आ रही है कि जब आप तालीम हासिल कर लेते हैं तो आपकी सोच ये बन जाती है कि अब मुझे 2 लाख की ही सैलरी चाहिए स्टार्टिंग में, वरना मैं बैठे बैठे अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा। तो मुझे भी ये चीज़ थी जब मैं ग्रेजुएट हुआ, लेकिन जब मैंने इस फिल्म की स्टोरी पढ़ी और मुझे भी क्लियर हुआ कि नहीं, अगर आप में काबिलियत है, आप में सलाहियत है और आप देखें कि आपके इर्द गिर्द आपका वसाइल कितने हैं, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए आपको। आपके अंदर एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है, तो आप एक दाल चावल की रेडी से भी स्टार्ट करेंगे तो आप उसको भी सोना कर सकते हैं। लोगों के लिए यानी ये नौजवानों के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैगाम जाने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा क्रेडिट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर को जाता है। ये फिल्म सर की एक ना खूबसूरती है, ये अलग अलग हर किसी को डील नहीं करते हैं, ये सबसे पहले एक टीम बनाते हैं। उनको पता है कि ये टीम जब ये एक हो जाएंगे ना तो जिस एक काम के लिए इनको इकट्ठा किया गया है वो मुमकिन हो पाएगा। तो उसका क्रेडिट मैं कहता हूँ आपको, ये फिल्म हिट हो सुपर हिट हो सारा क्रेडिट अगर जाता है मेरी जिंदगी का जितना भी आगे करियर है इस फील्ड के अंदर जब तक मैं हूँ वो सर को जाता रहेगा। अकबर साहब, टीम बहुत जरूरी है कोई भी काम और कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जब तक इत्तफाक नहीं होगा, जब तक टीम नहीं होगी, कभी भी हमें वो काम स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसी देखिए ये हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग भी है, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं या कहीं पे भी, ये जिस हालात की हमने बात की, हमारे लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, आज भी कराची और लाहौर चारों सूबों में, इस्लामाबाद में, जिस तरह उस हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, ये मुमकिन नहीं था कि अकेले अकेले लड़ लेते। ये ऐसा नहीं था मुमकिन कि मैं और आप एक पिस्तौल लेके या AK-47 लेके हम चल पड़े और हम कहीं दहशतगर्दों को हम हरा देंगे। जो भी कलेक्टिव काम होते हैं, जो भी बड़े काम होते हैं, वो अकेले बंदे का बस नहीं होता। तो लिहाजा टीम बिल्डिंग जब हमने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया, ये इतना बड़ा मैसेज था जो हम समझते हैं, जो मैं समझता हूँ, मुझ पर कर्ज था मेरे उन तमाम दोस्तों का जो शहीद हो चुके हैं और उन तमाम का जो आज भी लड़ रहे हैं, कि ये मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए, लोगों को पता हो, ये सिर्फ तकरीरों से बात नहीं हो।